आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े विमान स्ट्रेटो लॉन्च का रनवे ट्रायल सफल रहा है। इसे कैलिफोर्निया के मोजेवेर एंड स्पेसपोर्ट पर टेस्ट किया गया। 2.26 लाख किलो वजन वाला ये विमान 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे पर दौड़ा। इसी के साथ प्लेन के उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। ये प्लेन 2019 में पहली उड़ान भरेगा। ये अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने का काम करेगा। 24 घंटे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रसद सामग्री पहुंचाएगा। यह मौजूदा अंतरिक्ष अभियानों से काफी किफायती होगा। इस विमान के विंग स्पैन की लंबाई 375 फीट है, जो एक फुटबॉल फील्ड की लंबाई से भी ज्यादा है। वहीं इसकी चौड़ाई 12.5 फीट है, जो गोल पोस्ट के बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलेन इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। पूरा विमान दो अलग अलग केबिन में बंटा हुआ है। दोनों केबिन के बीच का हिस्सा एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल होगा। ये हिस्सा ही उड़ान के दौरान रॉकेट का भार संभालने का काम करेगा। दोनों केबिन में अपने अपने कॉकपिट हैं। दाएं कॉकपिट में एक से एक पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के लिए जगह है। वहीं बायां कॉकपिट खाली रहेगा। इसका इस्तेमाल आपातकाल में किया जा सकेगा।